नशा तस्करों के खिलाफ हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत रोहतक में नशा तस्करी में शामिल लोगों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई में पुरातत्व विभाग भी शामिल रहा। दरअसल रोहतक के खोखरा कोर्ट में भारी पुलिस बल के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। वह अधिकारियों का कहना है कि अभी 10 मकानों को नोटिस और दिए गए हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को सही बताया है। क्या कार्रवाई की? ये जोगिंदर उस जोगा के घर को डेमोलिश किया गया है। बेसिकली इसने अवैध कब्जा किया हुआ था यहाँ पे। नगर निगम की जमीन तीतों के ASI के संरक्षण में आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में आती है। तो इनको बाकायदा पहले नोटिस दिया गया था कि भाई इसको घर को इवैक्यूएट करें और जो कब्जा है कब्जा नगर निगम को दें, क्योंकि संरक्षण के अंतर्गत आती है जमीन। तो नोटिस के बाद इनको समय भी दिया गया था 7 दिन का कमिश्नर साहब के द्वारा कि भाई अपना आए, अगर आपको कुछ रिप्लाई है इस बारे में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रस्तुत हो। कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये डिमोलिशन के ऑर्डर पास किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति है, जो अवैध कब्जाधारी है, इसके विरुद्ध NDPS एक्ट में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान और हैं जिनको नोटिस दिया गया है? लगभग ये कहें कि जो खोखरा कोर्ट है ये पुरातत्व विभाग की जमीन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सभी के सभी अनलीगल बने हुए। अभी स्टेजेस में चला हुआ है ये प्रोसेस। बेसिकली इससे पहले एक मकान डेमोलिश पहले किया गया था, कल 2 मकान डेमोलिश किए गए, जिसका सेकंड पार्ट आज था, क्योंकि कल रात हो गई थी, काफ़ी डिले हुआ था, इसलिए आज चला हुआ है। इसके अलावा भी 11 मकानों को और नोटिस दिए गए हैं, तो ये स्टेजेस में चलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो नशे की खेप यहाँ से पकड़ी जाती थी उसका भी असर दिखाई दिया? निसंदेह जो नशे की खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही सरकार द्वारा, उसमें डेफिनेटली जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे फर्क पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा दया सिंह ग्रेवाल। अच्छा दया सिंह जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी। जो कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई की गई है ये? अरे इसको करना बंद कर, इसका ऐसा जी, हम बहुत दिन से पिछाण में के बाद बहुत तंग आ चुके हैं। पूरा गांव और पूरी बस्ती यहाँ ऐसे ऐसे जवान नष्ट हो चुके हैं इस नशे के आदि हो करके। और इन्होंने क्या है, इनकी जिनानी है ना, जो यहाँ अपने डाल लेती हैं, पॉकेट जो होती है इनकी, और अपना वहाँ से बेचती हैं। SP साहब से, DC साहब से, हमने सारे प्रशासन से, मंत्रियों से, सब जगह मिल लिया। हम पहले सरकार थी उसमें भी मिले, इसमें भी मिलते रहे, फिर भाइयों ने, जवानों ने और मेहनत करके, और ये सारा सब कुछ अब ये कोर्ट के ऑर्डर होकर जब ये हो रहा है ये कार्रवाई। किस तरह का नशा बेचा जा रहा है इसमें? ये जो एक तो होती है वो पन्नी सी लगा के वो पीते हैं, पुड़िया स्मैक बोलते हैं, एक वो इंजेक्शन आ गए नशों में, जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें साल दो साल में ही ख़त्म हो जाता आदमी, ऐसा नशे जहरीले। कौन लोग हैं ये? सांसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम रावत है, मैं रैनकपुरा स्थायी निवासी हूँ। और जो ये कार्रवाई चली हुई नशा तस्कर है ना, जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ है, प्रशासन की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू है, बहुत अच्छा है। हम परेशान थे नशे, हमारे बच्चे खराब हो रहे थे, कई पीढ़ी खराब हो चुकी है, और ये सराहनीय कार्य है, हम इसमें सराहना करते हैं प्रशासन की। बताया जा रहा है कि खोखरा कोर्ट में पुरातत्व विभाग की जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, इसमें से कई लोग नशे के कारोबार में भी शामिल थे, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है।